नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 12 अप्रैल ट्यूसडे के डेटेंसिस की वीडियो में, जिसमें हम डेटा को एनालाइज करेंगे कल के लिए। 13 अप्रैल 13 तारीख होने वाली है, दिन रहेगा आपका बुधवार का और कल ही आपकी वीकली एक्सपायरी भी है। तो उसके लिए हमारे पास क्या डेटा निकल के आया है आज, पूरा जोड़ तोड़ करने के बाद क्लाइंट FIs प्रोज जो भी करके गए हैं उसको एक बार एजुकेशन के पर्पज़ से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। देन इस डेटा को प्ले कैसे करना है उसकी भी हम लोग डिटेल प्लानिंग बनाएंगे। तो उस पर आप बाई सेल करते हैं तो पहले किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें दोस्तों, क्योंकि मैं ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर बनाता हूँ और एजुकेशनल के पर्पज़ से बनाता हूँ, जिससे आपके लाभ और हानि का कोई भी संबंध नहीं है। चलिए क्लाइंट को देखें तो क्लाइंट बहुत ज़बरदस्त बुलिश हो गया है, ज़बरदस्त बुलिश हो गया है। पुट बाई करके गया है, कॉल बाई करके गया है, बट नेट बेसिस में आप देखेंगे तो इसकी कॉल की बाइंग बहुत बढ़ गई है। तो देखना पड़ेगा, क्योंकि कल भी 90,000 प्लस कॉन्ट्रैक्ट थे, आज भी 80,000 प्लस कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉल में तो ज़बरदस्त तेज़ी में बैठ गया है भाई क्लाइंट। FIs कंटिन्यूसली स्टॉक फ्यूचर निकाले जा रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर निकाले जा रहे हैं, इंडेक्स कॉल निकाली है, पुट बाइंग की है, ये हो गए हैं भैया बेयरिश। बढ़िया तरीके से बेयरिश गया FIs और बढ़िया तरीके से तेज़ी में गया है आपका क्या क्लाइंट। चलिए देखते हैं नेट बेसिस में क्या होगा, क्योंकि पुट की बाइंग भी की है इन्होंने, बेसिकली निकाली है पुट, क्योंकि नेट बेसिस में राइटिंग में थी। प्रोज को देखें तो प्रोज पुट भी राइट करके गए, कॉल भी राइट करके गए, ये मार्केट को साइडवेज करना चाहते हैं और प्रीमियम मीटिंग करना चाहते हैं, जो इनका ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम यही प्लान रहता है। यह है शगुन देने वाली पार्टी, कोई ज़्यादा डेरिवेटिव में पार्टिसिपेट करती नहीं है, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ किया नहीं है। अब आ जाइए मोटा मोटा हम लोग नेट बेसिस में देखते हैं, ये जो टिक मार्क है इंडेक्स फ्यूचर का, अब ये बेयरिश है क्योंकि फ्यूचर का डेटा पूरा का पूरा FIs ने निकाल दिया है, अपनी बाइंग को क्या है निकाल दिया है, सिर्फ 9,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में बचे। FIs तेज़ी में आ गए हैं, बुलबुले बिस्मिल हो गए हैं, 50,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ से है बेयरिशनेस टिक मार्क। कॉल का साइड का डेटा देखिए, 22,22,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड, FIs 38,000 कॉन्ट्रैक्ट सारे घटा दिए, 91,64,38, और यहाँ पे प्रोज और राइट करके बैठ गए, -2,62,000, तो भैया अपसाइड तो इन्होंने कैप कर दी। इसको देख के तो मुझे लग रहा है 17,600 भी पार नहीं हो पाएगा। चलिए बाकी मार्केट है, बट 17,600 टिका तो ये जो कॉल अनवाइंडिंग होगी ठीक है, फिर 17,650 17,700 भी दिखेगा। एक्सपायरी में क्या होता है दोस्तों, जो डेटा लेवल्स होते हैं ना वो खिसक के आ जाते हैं राउंड फिगर पे, 650-700 ऐसे, बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग, जो कुछ अनवाइंडिंग कॉल अनवाइंडिंग पुट अनवाइंडिंग ये चीज़ होती है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं पुट को, तो थोड़ी सी पुट निकाली है इन्होंने अपनी, किसने क्लाइंट ने, बट वहाँ पे आप देखेंगे पुट बाइंग इनकी बहुत बढ़ गई है FIs की, तो ये डेटा भी बेयरिश है, ये डेटा भी बेयरिश है, और स्टॉक फ्यूचर फिर से निकालें ये डेटा भी बेयरिश है, वो डेटा अच्छा खासा बेयरिश है ठीक है, जो कि ये दिखाता है कि कल आपको 17,500 के नीचे मार्केट दोबारा दिख सकता है, ये डेटा बोल रहा है ठीक है, 17,400 भी दिख सकता है ठीक है। तो ये है दोस्तों कुल मिला के बात से, मार्केट निफ्टी आपका बंद हुआ है 17,550 पे, तो गैप अप गैप डाउन की बात मैं नहीं करता हूँ, सीधा स्पॉट पे आपको बताता हूँ 17,500 के नीचे आप ठोकिए, नहीं तो निफ्टी अगर 17,600 के नीचे ही रहता है, एक दूसरे तरीके की प्लानिंग बता रहा हूँ आपको प्ले करने की, आप सेल साइड में रहिए जब तक निफ्टी 17,600 को नहीं क्रॉस करता, और जितना आप 17,600 के नज़दीक से शॉर्ट करेंगे ठीक है, अगर उसके आसपास मिलता है उतना ही बढ़िया है, या फिर आप शॉर्ट करिए इस डेटा को 17,500 के नीचे, और टारगेट अपना रखिए 17,400-17,350 इस डेटा के बेसिस पे, ऐसा ही आप बैंक निफ्टी में करिए ठीक है। बैंक निफ्टी में 37,500 बिलो सेल करने की कोशिश कीजिए, टारगेट रखिए 150-200 पॉइंट का, और जो आज का लो है 37,250-60 के आसपास, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर उसके नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन हुआ, सस्टेन मतलब 15 से आधा घंटे के बीच रुका उसके नीचे, तो आपको 36,800-36,500 भी दिख सकता है। जी हाँ, ये डेटा दम रखता है बैंक निफ्टी को 37,000 के नीचे ले जाने का, जो हमारे सामने निकल के आया है ठीक है। चलिए दोस्तों, इनकेस आपको एनालिसिस पसंद आया हो स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होने दीजिए डेटा को, ये जो डेटा मंदी का बना है इसको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होने दीजिए। स्क्रीन पर कैसे रिफ्लेक्ट होगा ठीक है भाई, या तो 17,600 को क्रॉस ही ना करे, उसके नीचे ही रहे, तो जितना आप 17,600 के पास से सेल कर सकेंगे उतना बढ़िया है।
ठीक है, या फिर बीच में रहता है, कहीं बीच में रहता है 540 550 इसके आसपास रहता है, तो फिर इसको सेल करिए 17,500 के नीचे, वहाँ से आपको बढ़िया 70-80 पॉइंट मिलने चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।